गोल्डी मीट मटन मसाले जो आपके हाथ का मटन खाए जुंजा की बोल आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। पार्लियामेंट का 5 रोजा खसूसी इजलास वजीर आजम के खताब से शुरू। कल से पार्लियामेंट हाउस को नई इमारत में मुंतकिल करने का वजीर आजम का ऐलान। LG मनोज सिन्हा ने किया रॉयल स्प्रिंग्स गॉल्फ कोर्स में 44वीं PSPB इंटर यूनिट गॉल्फ टूर्नामेंट का अफ्तिताह। कहा गैर मुल्की सयाहों को यहां की तरफ रागिब करने में जो कामयाबी हासिल हुई है वो बयान से बाहर है। कोकरनाग के गढ़ोल इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज छठे रोज भी रहा जारी। मिलिटेंटों को ठिकाने लगाने के लिए ड्रोन और मार्टर शैलों का भी इस्तेमाल। और बड़गाम जिले के रेशीपोरा में 125 बिस्तरों वाले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रखा संग बुनियाद। अस्पताल की तामीर पर 49,32,00,000 रुपये की आएगी लागत। अब देखते हैं खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का खसूसी इजलास वजीर अजम नरेंद्र मोदी के खिताब के साथ ही शुरू हुआ। वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता 75 साल में पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कामयाबी, इस पर लोगों का मुसलसल बढ़ता हुआ एतमाद है। आज लोकसभा में खसूसी इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हाउस, जिसने हिंदुस्तानी जमहूरियत के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, आवामी एतमाद का मरकजी नुकता रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों की कामयाबियों का जिक्र हर एक जगह हो रही है और ये मुल्क की पार्लियामेंट की 75 साल की तारीख के दौरान मुतहदा कोशिशों का नतीजा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया को भी तरक्की की एक राह दी है। उन्होंने कहा कि इसने हिंदुस्तान की ताकत को एक नई शक्ल से उजागर किया, जो साइंस और टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान के साइंसदानों की सलाहियत और मुल्क के 140 करोड़ लोगों की ताकत से जुड़ी हुई है। वजीर आजम ने कल से पार्लियामेंट को नई इमारत में मुंतकिल करने का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम इस तारीखी इमारत को अलविदा कह रहे हैं जो आजादी से कबल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। उन्होंने कहा कि इस इमारत की तामीर का फैसला गैर मुल्की हुक्मरानों ने लिया था, लेकिन कौम कभी नहीं भूल सकती कि इमारत की तामीर में जो मेहनत, पैसा और पसीना खर्च हुआ था वो हमारे हम वतनों का था। वजीर अजम ने नई दिल्ली में G20 की कामयाबी का हवाला दिया और कहा कि इस इजलास की कामयाबी हिंदुस्तान की कामयाबी है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज पार्लियामेंट की इस पुरानी इमारत से बाहर निकलना और इमारत को अलविदा कहना सभी के लिए वाकई एक जज्बाती लम्हा है। DMK के रहनुमा TR बालू ने भी इजहार ख्याल किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के खसूसी इजलास से खिताब के दौरान कहा कि हिंदुस्तान ने G20 के कामयाब इनेकाद से साबित कर दिया कि यह मुल्क सब्र और तहमुल बरतने के लिए एक आवाज बन रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की सरबराही में मुल्क एक अलग मकाम हासिल करने की तरफ गामजन है और अफ्रीकी यूनियन को G20 का मुस्तकिल मेंबर बनाने का सेहरा भी हिंदुस्तान के सर जाता है। दूसरी जानब राज्यसभा में भी खसूसी इजलास की शुरुआत हुई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने G20 के कामयाब इनेकाद पर वजीर आजम की तारीफ की। मरकजी वजीर और लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट के 75 साल की कामयाबियों पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि हाउस की इज्जत और वैकार इसी सूरत में बुलंद रहता है जब हर एक मेंबर मुल्क और आवाम की ख्वाहिशात और अमंगों को आगे रखते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि दफा 370 को मनसूख करने, GST और 3 तलाक की रिवायत को खत्म करना इस ऐवान की बड़ी कामयाबी में शुमार की जाती है। इससे पहले वजीर अजम ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस इजलास की खसूसियत यह है कि 75 साल के सफर के बाद का आगाज अब एक नए मुकाम यानी पार्लियामेंट की नई इमारत से हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस सफर को आगे ले जाना है और 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि रवां साल सयाहों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किए जाने का इम्कान है और ये तादाद 2,25,00,000 तक भी जा सकती है, जिनमें गैर मुल्की सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद भी शामिल रहेगी। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज रॉयल स्प्रिंग्स गॉल्फ कोर्स श्रीनगर में 44वीं PSPB इंटर यूनिट गॉल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने के मौके पर किया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC कर रही है। गॉल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का खैर मकदम करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे ताकीद की कि वह जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की की तस्वीर का खाका मुल्क के आवाम के सामने इस तरह से पेश करें जिसकी बदौलत यहां सयाहों की एक बड़ी तादाद वारिद हो जाएं।
उन्होंने कहा कि गुज़श्त साल 1,28,00,000 सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की, जबकि रवां साल अगस्त के आखिर तक ही 1,52,00,000 सयाह जम्मू कश्मीर की सियाहत के लिए आए। उन्होंने कहा कि G20 की टूरिज्म से मुतलिक एक मीटिंग कश्मीर में मुनक़द करने से गैर मुल्की सयाहों को यहाँ की तरफ रागिब करने में जो कामयाबी हासिल हुई है वो बयान नहीं की जा सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गुज़श्त 4 साल के कामयाब सफर का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर जमीन पर जन्नत की हैसियत रखता है और यह सूफियों और सनतों की सरजमीन है, लेकिन मिलिटेंसी और अकरबा परवरी ने यहाँ के लोगों को तकलीफ और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यकीन दिलाया कि वो दिन अब मुकम्मल तौर गुजर चुके हैं और उम्मीदों की एक रोशन किरण जाग चुकी है जिसको बुझाने की इजाजत किसी को भी फराहम नहीं की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बड़गाम जिले के ऋषिपुरा इलाके में 125 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का संग बुनियाद रखा। यह अस्पताल 49,32,00,000 रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इस अस्पताल की तामीर से मुकामी इलाके के लोगों को इलाज मुआलजे की बेहतर खिदमात फराहम होंगी। इसके अलावा मुकामी लोगों को रोजगार के हवाले से भी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस अस्पताल में नीम तिब्बी अमले की तैनाती मुकामी तौर पर अमल में लाने का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अस्पताल की संग बुनियाद रखने के मौके पर LG के हमरा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, DDC चेयरपर्सन नजीर अहमद खान और जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लबरू भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज DSP हुमायूं भट्ट के अहलखाना से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और उनसे ताजियत पुरसी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहीद हुमायूं भट्ट को खराज अकीदत पेश किया और मुतासिर अयाल को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर उनकी मदद के लिए पेश पेश रहेगा। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क बहादुर पुलिस एहलकार हुमायूं भट्ट की शहादत को याद कर रहा है और उनकी शहादत को किसी भी तौर पर जाया नहीं होने दिया जाएगा। वाजिया रहे DSP हुमायूं भट्ट चंद रोज कबल को कना के गडोल इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में शहीद हुआ था। LG के हमरा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और DIG CKR मौजूद थे। कोकनाग के गडोल इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज 6ठे रोज भी जारी रहा। इस दौरान मिलिटेंटों की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के अलावा मिलिटेंटों के छुपे होने की जगह पर मार्टर शेलों का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान एक कमीनगाह से जली हुई लाश बरामद होने के बाद उसको DNA टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है ताकि लाश की शिनाख्त की जा सके। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आज पंचायत इलेक्टोरल रोल्स 2023 के लिए दूसरे सप्लीमेंट की तैयारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। पब्लिक नोट्स के मुताबिक वोटर अपने वोट लिस्ट में नामों में किसी भी तब्दीली या एतराज जमा करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से नामजद इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ 20 सितंबर से 29 सितंबर तक राबता कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मजीद बताया गया कि पंचायत इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां जारी हैं और इसके लिए मुतलिक अहदेदारों को 24 घंटे वोटरों के लिए दस्तियाब रहने के लिए कहा गया है और यह भी कहा गया कि आने वाले पंचायत इलेक्शन के लिए जो नए हल्के मुआवजे वजूद में लाए गए हैं उनमें जो भी वोटर अब तक छूट गए हैं उन्हें फहरिस्त में दर्ज करने के लिए एक और मौका फराहम किया जा रहा है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स बेमिना में आज टाइकेथान मुकाबला मुनक्कद हुआ। मुकाबले में LG के मशीर RR भटनागर ने मेहमानी खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में वादीवर से ताल्लुक रखने वाले मुंतखब तलबा ने अपने खिलौने पेश किए। मशीर भटनागर ने इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करने की सताइश करते हुए कहा कि टाइकेथान के इनेकाद से तलबा में नए ख्यालात की तरसील और अपनी तहजीब व तमदन की हिफाजत करना यकीनी बन जाता है। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार और डायरेक्टर SCRT के अलावा महकमे तालीम के कई आला अहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट सौरभ भगत ने आज पॉलिटेक्निक कॉलेज कानिसपुरा बारामूला का दौरा किया। दौरे के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी को कॉलेज हुकाम ने तलबा को फराहम की जाने वाली जदीद तकनीकी सहूलियात से आरास्ता तालीम के हवाले से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मजकूरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में CIIT शोबा भी काम कर रहा है जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 कॉलेजों में अब तक दस्तियाब हैं। कमिश्नर मौसूफ ने तलबा से भी बात की और असातिजा से भी ताकीद की कि वह तलबा को रोजगार फराहम करने वाले कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा हौसला बढ़ाएं। महकमा हार्टिकल्चर श्रीनगर की तरफ से आज जावुरा हाई टेक्निक वालनट नर्सरी में किसानों के लिए एक रोजा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। तरबियती प्रोग्राम में 50 किसानों ने शिरकत की जिन्हें महकमे के अहदेदारों ने हाईटेक वालनट के बारे में तफसील तौर जानकारी फराहम करने के अलावा इसके फायदों से भी आगाह किया।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام متبرکہ شروع ہونے پر مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ان لیڈران نے اپنے الگ الگ پیغامات میں امید ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت عطا فرمائے گا، کیونکہ اسی راستے پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی مضمر ہے۔ دریں اثنا پارٹی کے جنرل سیکرٹری نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عرسی مبارک حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر خواجہ دیگر ادا کرنے والے زائرین کے لیے معقول انتظامات میسر رکھیں۔ جموں کشمیر جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض حمدانی نے بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام کی آمد پر عالم اسلام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون نے آج رامحال، ہندواڑہ کے ہردونہ، تارت پورہ، ہفتادہ، فلمرگ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور یہاں مقامی لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں آنے والے انتخابات میں پارٹی کی طرف سے نامزد امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ سجاد لون نے پارٹی ارکان سے تاکید کی کہ وہ عوام کے ساتھ زمینی سطح پر رابطہ قائم کریں تاکہ ان کو درپیش مشکلات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ آج نگینی کلچرل فاؤنڈیشن کے اہتمام ٹیگور ہال سری نگر میں مزمل لہروال کی دو کتابوں کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب میں متعدد شعرا، قلمکاروں، ادیبوں کے علاوہ ذرائع ابلاغ سے منسلک اشخاص نے حصہ لیا۔ مجلس کا آغاز وادی کے معروف نعت خوان ابوالحسن فاروقی نے نعت اور منقبت پیش کیا۔ قلمکار، شاعر و معروف براڈ کاسٹر عبدالعہد فراد اور سید ہمایوں قیصر ایوان صدارت میں موجود رہے۔ ٹیگور ہال سری نگر میں کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے وادی کے معروف شاعر اور معالج ڈاکٹر شوکت شفا کی کشمیری تصنیف بچہ بچہ ڈاکٹر بچہ ڈاکٹری کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب پر معروف شاعر اور قلمکار رفیق راز، شاد رمضان اور معروف شعرا بھی موجود تھے۔ تقریب پر دو سکر بھی پیش کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ کی طرف سے آج ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ میں آیوشمان بھاؤ کے تحت خون کے عطیہ کا ایک کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ کے دوران کئی رضاکاروں نے خون کا عطیہ پیش کیا۔ موقع پر موجود ڈاکٹروں نے خون کے عطیہ کے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک صحت مند انسان کو کم سے کم مہینے میں ایک بار خون کا عطیہ دینے کی روایت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی بنیاد پر قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ وادی کے مختلف علاقوں میں قائم خدمت سینٹروں کے مالکان نے ایک بار پھر سے پریس کالونی سری نگر میں آ کر ای گورننس پروجیکٹ کے خلاف اپنا احتجاج درج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر بینک کی طرف سے انہیں سال 2009 میں خدمت سینٹر فراہم کر کے خود روزگار بنانے کی ایک پہل شروع کی گئی تھی، لیکن موجودہ ای گورننس پروجیکٹ انہیں بے روزگار بنانے کے لیے شروع کیا گیا ہے، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے اہل خانہ کے لیے سم قاتل کے مترادف ہے۔ خدمت سینٹر مالکان نے جموں کشمیر کے بینک کے سی ای او ایم ڈی سے اپیل کی کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں تاکہ ان پر منڈلاتے خطرے کے بادل ٹل جائیں۔ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت سی آر پی ایف کی 130ویں بٹالین کی طرف سے آج گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج اونتی پورہ میں والی بال چیمپئن شپ کا آغاز کیا گیا۔ چیمپئن شپ کا افتتاح ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج سی آر پی ایف آلوک اوستھی نے ایس ایس پی اونتی پورہ اور دیگر پولیس افسران کی موجودگی میں کیا۔ پہلا میچ سی آر پی ایف اور پالی ٹیکنک کالج اونتی پورہ کے مابین کھیلا گیا، جو اونتی پورہ کالج نے جیتا۔ چیمپئن شپ کے دوسرے حصے پر کئی رنگا رنگ پروگرام منعقد کیے گئے، جن کو حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ موقع پر موجود لوگوں اور کھلاڑیوں سے تقریر کرتے ہوئے ڈی آئی جی سی آر پی ایف نے کہا کہ ایسے مقابلوں کا انعقاد نوجوانوں کی کھیل کے تئیں ان کی وابستگی بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ نوجوان راہ راست پر رہ کر ملک و قوم کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ وادی میں آج صبح سے ہی مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ہی شدت کی گرمی سے نجات حاصل ہوئی، جبکہ کہیں کہیں ہلکی بارشوں نے بھی موسم میں تبدیلی لائی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DDNewsSrinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں ڈی ڈی کشمیر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔
देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का गोल्डी मीट मटन मसाला।